नमस्कार, स्वागत है आपका जेजे न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। बरसात ने पूरे देश की व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। भारी बारिश के चलते काफी राज्यों की सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं, नाले भर चुके हैं और यहां तक कि काफी पुल भी नदी के साथ ढह गए हैं। बारिश ने न केवल सड़कें बल्कि रेलवे विभाग की व्यवस्थाओं पर भी पानी फेर दिया है। कई जगह पटरियां बह गई हैं तो कई जगह पटरियों पर मलबा आ चुका है। सड़कों के ध्वस्त हो जाने के बाद यात्रियों के लिए ट्रेन की एक आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन आफत बनकर आई बारिश ने यात्रियों को काफी हताश कर दिया है। सड़कों पर पानी भरने के कारण कई यात्री स्टेशनों पर फंसे हुए हैं। भारी बारिश ने हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून की कई ट्रेनों को पूरी तरह से रोक दिया है, जिसकी वजह से यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों से उत्तराखंड में पड़ रही भारी बारिश ने कई जिलों में बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं और इसका भारी असर रेलवे यातायात को भी देखने को मिला हुआ है। रेलवे विभाग ने कई ट्रेनों के रूट बदल दिए हैं तो कई ट्रेनों को बंद भी किया है। रेलवे विभाग के इस फैसले से आमजन काफी परेशान है। बता दें कि रेलवे विभाग की मिली जानकारी के अनुसार हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश रूट में से मोतीचूर इलाके के पास मलबा आ गया है, जिस कारण इस इलाके से आने वाली सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं दिल्ली से आजमगढ़ जाने वाली एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है और जैसलमेर से काठगोदाम जाने वाली एक्सप्रेस को भी भारी बारिश के चलते रूट परिवर्तित कर दिया गया है। इसके साथ ही लक्सर रेलवे स्टेशन में भी भारी जलभराव हो चुका है, जिस कारण यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उत्तराखंड राज्य रेलवे पुलिस के अधीक्षक अजय गणपति खुद हरिद्वार स्टेशन का मुआयना करने पहुंच चुके हैं। अभी के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजे न्यूज के साथ। धन्यवाद।